सागर में दलित परिवार की तीन मौतों ने राजनीतिक उबाल ला दिया है। पिछले एक साल में परिवार के दो सदस्यों की हत्या और एक युवती की संदिग्ध मौत हुई है, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। सागर में दलित युवती अंजना अहिरवार द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत से गुस्साए गुंडों ने युवती के भाई नितिन अहिरवार की पिछले साल अगस्त में हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित परिवार समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो पीड़ित के चाचा राजेंद्र अहिरवार की भी हत्या कर दी गई। जब पीड़ित युवती के चाचा का पोस्टमार्टम कराकर शव को वापस ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में पीड़ित अंजना अहिरवार संदिग्ध परिस्थितियों में एम्बुलेंस से गिर गई और उसकी भी मौत हो गई। इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भाजपा की सरकार है जिसने आदिवासियों और दलितों पर लगातार अत्याचार किया है। हमारे भारत देश में कानून नाम की चीज है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां होके आते हैं, वो आश्वासन दे के आते हैं कि मैं आपके साथ न्याय होगा, उनको 1 महीना होने जा रहा है लेकिन आज तक उस परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। वहाँ कलेक्टर जाते हैं, कलेक्टर साहब लिखित में देके आते हैं कि आपके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो काम भी नहीं होता है, उल्टा उस परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाता है और उस बच्ची का भाई जो एक बचा हुआ है उसको एसपी कहता है कि वो मार दिया जाएगा, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, अपने पास रख लिया जाता है, उसकी जब्ती भी नहीं देते एसपी साहब और उससे कहते हैं कि आर्म्स एक्ट में आप पे केस दर्ज किए जाएंगे, आपकी कोई भी पिस्टल जो भी है हथियार अपलोड कर दिया जाएगा, कुछ भी घटना में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, 1-1 करोड़ का तीनों मृतक जो हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, 1-1 व्यक्ति को नौकरी दी जाए और साथ में उस परिवार के साथ कोई अनहोनी न हो उसके लिए उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।